हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। हमारे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं, मेरे सामने खड़े हैं चेतक। तो भाई आज मैं आया था अजमेर और यहाँ पर मैंने चेतक के तीनों वेरिएंट अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं प्रीमियम अर्बन और 2901 जो कि मेरा फेवरेट है, फिलहाल रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो तीनों में कंपेरिजन वीडियो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई इसके लिए आपको आना कहाँ है। तो भाई मैं अजमेर आ चुका हूँ माकड़ वाली रोड पर। अब शोरूम का एड्रेस आपको नोट डाउन कर रहे हैं, नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप अजमेर में अगर इसकी इंक्वायरी करना है तो आपको इंक्वायरी करने कहाँ आना है, तो शोरूम का नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो अब मैं आपको साइड बाई साइड कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि तीनों में क्या फर्क है, जो प्राइसिंग का डिफरेंस है, मोटर का डिफरेंस है, बैटरी का डिफरेंस है, मतलब स्कूटर में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए सही है खरीदना फिलहाल आज की डेट में। चलिए तो करते हैं आज का ये कंपैरिजन वाला वीडियो फटाफट। एक बार इसका वॉक राउंड लगा लेते हैं भाई। तो एक बार देख ले, ये है प्रीमियम, फ्रंट से दिखा दूं आपको मैं ये अर्बन, आप एक बार फ्रंट से देख लें। सबकी लाइट मैंने एक बार ऑन करवा दी आपके लिए, जो लाइट ऑन हो चुकी है भाई अर्बन की। और ये 2901 रिसेंटली अभी फिलहाल में जो लॉन्च हुआ था वो आया था, सबसे कम कीमत का यही है भाई, 95,989 कुछ एक्स शोरूम में। एक बार आप फ्रंट सब की लुकिंग देख लें, वो आपको की में आता है, दोनों फॉब की में आते हैं। डिस्प्ले में थोड़ा फ़र्क है, प्रीमियम का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिखने में आता है, विजिबल काफ़ी रहता है डे टाइम में। अगर आप विजिबल चाहते हैं तो डे टाइम में काफ़ी ज़्यादा विजिबल रहता है। और ये आपका अर्बन और ये आपका 2901, दोनों का डिस्प्ले आलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे फॉब की वगैरह का यहाँ पर डिफरेंस रहता है, आगे ग्लव बॉक्स वगैरह डिफरेंस रहता है। तो ये आगे और हम डिटेलिंग में समझते हैं कि तीनों में यहाँ पर क्या डिफरेंस है बैटरी और मोटर की। तो भाई अब बात करते हैं जो 2901 है, इसमें बैटरी आपको 2.8 किलोवाट की मिल जाती है, जो आपकी 123 किलोमीटर रेंज इको मोड में मिल जाती है। तो ये तो आप हो गया आपका 2901। अब हमारा जो आता है बीच में अर्बन, अर्बन की रेंज आपको मिलती है 113 किलोमीटर, पर इसमें जो मोटर आती है 4 किलोवाट की आती है और इसमें जो बैटरी आती है 2.9 किलोवाट के आसपास की आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं प्रीमियम की, उसमें जो बैटरी मिलती है 3.2 किलोवाट की मिलती है और मोटर जो मिलती है 4.2 किलोवाट का आपको पीक पावर जनरेट कर देती है। पर इसकी रेंज की बात करूं तो 126 किलोमीटर रेंज आपको यहां पर मिल जाती है, 126 किलोमीटर रेंज आपको यहां मिलती है, 113 किलोमीटर रेंज आपको यहां मिलती है और यहां मिलती है आपको 123 किलोमीटर। अब टॉप स्पीड की बात करूं तो 2901 आपका जो लॉन्च हुआ है 63 की टॉप स्पीड आपको यहां मिल जाती है और इको मोड और स्पोर्ट मोड आपको यहां पर मिल जाते हैं और यहां पर भी आपको 73 की टॉप स्पीड मिल जाती है और यहां भी बात करूं आपको तो 73 की टॉप स्पीड आपको यहां पर मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है टॉप स्पीड का बैटरी के अनुसार, मोटर के अनुसार यहाँ पे आपका टॉप स्पीड का यहाँ पे फर्क था। अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक की, तो प्रीमियम वाले मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है फ्रंट के अंदर। बाकी बात करें अर्बन और 2901 में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही देखने को मिलता है, बाकी जो टायर है वो आपको अलॉय व्हील वाले डिजाइन में मिलते हैं, बाकी अलॉय वाला मटेरियल नहीं है, कुछ अलग ही मटेरियल यहाँ पे यूज किया है कंपनी ने जो पहले यूज किया था। बाकी सस्पेंशन वगैरह आप बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 160 ग्राउंड क्लियरेंस सभी में आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्राइसिंग ऑन रोड आपको मैं अजमेर की वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो आपको मैंने एक मेजर डिफरेंस बताया कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। वैसे तीनों स्कूटर अपने अपने हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। तो ये प्रीमियम का जो डैशबोर्ड है इस तरह से ऑन होता है भाई ये, और ये आपका TFT डिस्प्ले आता है। तो ये प्रीमियम वाला जो मॉडल है 1,47,000 रुपये का जो एक शोरूम आता है, ये प्रीमियम वाला मॉडल है। जिसमें स्विचिंग विचिंग आप देख लें, ये देखिए स्विच वगैरह और यहाँ पे सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे रहते हैं। एप बेस्ड कनेक्टिविटी रहती है इसके अंदर, हील होल्ड भी भाई इसके अंदर रहता है आपको। तो देखिए इसके अंदर जो अब बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉनिक वाले, तो ये जो आपका प्रीमियम वाला मॉडल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट आपको ये खुल जाती है और ये आपका फ्रंट वाला ग्लव बॉक्स भी आपका इलेक्ट्रॉनिक खुल जाता है। तो सिंगल क्लिक में आपका ये ग्लव बॉक्स खुलता है फ्रंट वाला और लॉन्ग प्रेस में आपकी ये सीट अंदर स्टोरेज वाली खुल जाती है। देखिए इस तरह से ये खुल चुकी है। अब ये 2901 थोड़ा सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल आपको की मिलती है, की को आप पुश करके एंटी क्लॉक वाइज सॉरी क्लॉक वाइज आपको घुमाना है और ये आपकी यहाँ पर सीट ओपन हो जाती है कुछ इस तरह से। तो ये डिफरेंस था सीट ओपन करने में, तो इससे प्राइसिंग काफ़ी कम हो जाती है। 2901 अभी जो ज़्यादा सेल हो रही है वो आपको बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है, तो ये सिंपल से की है इस कारण से इसकी प्राइस भी यहाँ पर कम है। चलिए तो ये तो आपका डिफरेंस हुआ मेजर। टायर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सारे टायर 12 इंच के आते हैं, सस्पेंशन भी सेम ऑलमोस्ट सेम आते हैं। बस ये फर्क आता है जो प्रीमियम वाला मॉडल है उसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन यहाँ फ्रंट में मिल जाता है, देखिए डिस्क ब्रेक का मिल रहा है ऑप्शन, बाकी ये यहाँ पर डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। ये हमारा डेमो वाला मॉडल थोड़ा सा आपको गंदा यहाँ पर लग रहा हो, एक बार आपको राइडिंग कम्फर्ट भी देख के दिखा देता हूँ एक बार आप इसमें कैसे लगते हैं। तो ये देखिए ये प्रीमियम है, तो ये इस तरह से मेरी ये देखिए। तो इसमें एक खास फीचर ये है कि ये IP67 इसमें रेटिंग आती है, IP67 रेटिंग मतलब लगभग सभी में आ रही है, पर इसमें ये खास बात है कि भाई आधे घंटे तक इसको पानी में लेके खड़े, 1 मीटर पानी में आधे घंटे तक आप इसको लेके खड़े रह सकते हैं। बाकी जनरल स्कूटर आपने क्या देखा है कि आप पानी में से लेके उसे 1 मीटर पानी में से लेके निकल सकते हैं, पर इसको आप आधा घंटा भी खड़ा रहते हैं। तीनों मॉडल में आते हैं,
थोड़ा सा वजन का यहाँ फर्क आता है, प्रीमियम थोड़ा हैवी आता है, थोड़ा सा लाइट आता है, ज्यादा फर्क नहीं है, 3 किलो का फर्क है, 129 किलो 132 किलो के आसपास इसका यहाँ पे फर्क आता है। चार्जिंग में फास्ट में प्रीमियम होता है 3.5 घंटे में चार्ज होता है, ये 4.5 घंटे में चार्ज होता है और ये 6.5 घंटे में चार्ज होता है। मतलब पैसे अगर बचाने हो तो आप 2901 ले सकते हो। तो फिलहाल ये थोड़ा बुकिंग पे चल रहा है, अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, आता है और बिक जाता है, आता है और बिक जाता है। बाकी अगर आप ये लेते हो अर्बन, तो अर्बन भी अच्छा है अगर आप जितने डालते हो फीचर्स। अर्बन ज्यादा महंगा नहीं है, उसमें आपको वाईफाई वाली की और फीचर्स मिल जाते हैं, बाकी प्रीमियम में भी काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, फोब की वगैरह मिल जाती है। इसलिए तीनों वेरिएंट अपनी जो प्राइस है वहां पर ये डिजर्विंग करते हैं, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार ये इलेक्ट्रिक भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो वारंटी की बात करूं तो भाई तीनों में आपको वारंटी सेम मिलती है, 50,000 किलोमीटर और 3 साल। अगर वारंटी एक्सटेंड करते हो तो 70,000 किलोमीटर आपको वारंटी मिलती है, वो भी 5 साल के लिए। यार 50,000 किलोमीटर वारंटी भी मिल रही है तो काफी अच्छी आपको वारंटी मिल रही है, और थोड़ी सी वारंटी आप एक्सटेंड भी कर लेते हो तो 70,000 किलोमीटर आपको यहाँ पे वारंटी मिल जाती है। थोड़े से फीचर्स और यहाँ पर चेंज है वो आपको पास से दिखाता हूँ, तो भैया थोड़ा पास से दिखा दें आप फटाफट से। तो ये अब बात करते हैं इसकी, जो आगे जो डिग्गी में यूएसबी चार्जिंग पॉइंट यहाँ अंदर आता है, इस तरफ आता है, सॉरी, ये ग्लव बॉक्स यहाँ पर ओपन आता है, इसमें टांगने का हुक यहाँ सामने आता है 2901 में। अब बात करते हैं आप अर्बन की, तो अर्बन में जो चार्जिंग जो पॉइंट आता है वो इसके अंदर आता है, टूल किट भी इसके अंदर आता है, इसको वन क्लिक आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और इस तरह से खुल जाता है वन क्लिक से, और इस तरह यहाँ पे आपका टूल यहाँ पे आता है, फास्टेड टूल यहाँ पे आता है और ये यूएसबी चार्जिंग आपका यहाँ पे आता है, इसमें लाइट भी जलती है, तो ये थोड़ा सा फीचर्स वाइज फर्क रहता है। भाई आप पैसा देते हैं आपको यहाँ पे लगता है, और ये टांगने का होगा आपका यहाँ पे आता है, 3 kg आप यहाँ पे टांग सकते हैं। बाकी प्रीमियम में भी ये सेम ही आता है, आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्लव बॉक्स के अंदर आता है। अभी इसकी की मेरे पास है नहीं, इस तरह से इसको वन टच क्लिक से आप ऑन करेंगे और ये यहाँ पे इसकी इस तरह से ऑन हो जाता है। देखिए ये आपको TFT डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है इस तरह से, और ये ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे वन क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है, और अंदर ये सेम आपको यूएसबी चार्जिंग पॉइंट लाइट के साथ यहाँ पर मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरह से, ये की आपकी यहाँ पे अंदर रखी हुई है किस तरह से, मतलब की आप अंदर रखो और आप इसको खड़ा रखकर छोड़ दो। तो वैसे आपको मैंने यहाँ पर टेक्निकली बता दिया है कि किस स्कूटर में आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट है। चलो अब ओवरऑल बात करते हैं कंक्लूजन की, यार बेस्ट आपके लिए कौन सा रहता है। देखो प्राइस फिलहाल तो कम यहाँ पर 290 की है, तो ये आपके लिए बेस्ट है, पर रेंज भी अच्छी खासी 123 किलोमीटर है। हाँ बस आपको यहाँ पे फोब की वगैरह और ये वाईफाई वाली की वगैरह और थोड़े से फीचर्स यहाँ पे कम मिल जाएंगे, मतलब ये एक सिंपल स्कूटर अब कहें 2901 को तो ये एक बढ़िया स्कूटर है, 95,000 एक शोरूम आ रहा है। तो देखो पहली चॉइस मेरी तो ये है कि आप ये ले सकते हैं। फिर आपको एक मीडियम स्कूटर चाहिए, थोड़े फीचर्स चाहिए, थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए, फोब की फाइंड माई व्हीकल, तो ये आप अर्बन ले सकते हैं। और जब टॉप एंड की बात करते हैं प्रीमियम की, तो प्रीमियम में आपको काफी सारे फीचर्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जैसे इसमें आपको रिवर्स वाला मोड मिल जाता है विदाउट टेक पिक, अगर आप टेक पिक नहीं भी लेते हैं तो रिवर्स वाला मोड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब प्रीमियम बहुत फास्ट चार्ज होता है, 3.5 घंटे में चार्ज हो जाता है, अर्बन 4.5 घंटे में चार्ज होता है, और 2901 6.5 घंटे में चार्ज होता है। थोड़ा यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। बैटरी की बात भी मैं करूँ तो यहाँ पे बैटरी ज्यादा मिलती है, 3.2 किलोवाट की मिल जाती है, 126 किलोमीटर रेंज मिल जाती है, टॉप स्पीड भी 73 की मिल जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो रेंज थोड़ी सी कम मिलती है, 113 किलोमीटर रेंज आपको मिलती है, पर टॉप स्पीड आपको 73 ही मिलती है। बैटरी आपको 2.9 ही मिलती है, जैसे 2.9 वहीं मिल रही है, पर वहाँ पर रेंज आपको थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मोटर है वो 3000 वाट की मिलती है, इसलिए आपको रेंज थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, और टॉप स्पीड 63 मिलती है, तो आपको रेंज यहाँ पर ज्यादा मिल जाती है। चलिए बात करते हैं टेक पैक की, तो टेक पैक यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर टेक पैक 3000 रुपए का है, यहाँ पर 8000 रुपए का है और यहाँ पर 8000 रुपए का है। ये टेक पैक लेना अनिवार्य तो नहीं है, पर टेक पैक आप नहीं लेते तो यहाँ पर मोड काम नहीं करते हैं, और यहाँ पर आपको रिवर्स मोड काम नहीं करेगा अगर आप टेक पैक नहीं लेंगे, वहां पे आपका रिवर्स मोड भी काम कर जाएगा। इस तरह से कुछ फीचर्स हैं जो आपको मैंने बताए हैं, उसके हिसाब से आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं चेतक के अंदर। बाकी तीनों ही स्कूटर अच्छे हैं, तीनों का डायमेंशन अच्छे हैं, थोड़ा सा वजन में वो ज्यादा है, उसमें एक बेनिफिट ये है कि उसका चार्जर आपको कैरी नहीं करना पड़ता है, चार्जर इसमें इनबिल्ड रहता है, और काफी सारे बारीक बारीक वाले फीचर्स हैं जो इनको अलग अलग यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्विचिंग में लाइट मिलती है, यहाँ पे स्विचिंग में लाइट नहीं मिलती वगैरह वगैरह, फोब की वगैरह, काफी सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। हाँ वहां पर आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, मतलब कंट्रोलिंग थोड़ी सी आपकी यहाँ पर ज्यादा बेटर हो जाती है। तो फिलहाल आज मैं आया था भाई अजमेर शहर में इस वीडियो को शूट करने, क्योंकि यहाँ पर अर्बन 2901 और प्रीमियम तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर अवेलेबल थे। तो अगर आप अजमेर शहर से हैं भाई तो शोरूम का नंबर आप नोट कर लें, क्योंकि एक शोरूम प्राइस आपको बता दिया है 95,000 के आसपास है, 1,24,000 के आसपास।
147 के ऑन रोड प्राइस टेक पैक एसेसरी मिला के क्या प्राइस होती है अजमेर शहर की, तो उसके लिए आपको शोरूम पे संपर्क करने वाला है। तो ये शोरूम की डिटेल आपको यहाँ मेंशन होगी, एड्रेस भी आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा, तो आप यहाँ से कॉल भी कर लें। तो भाई ये था हमारा छोटा सा एक कंपेरिजन वीडियो 2901 प्रीमियम अर्बन के बीच में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करने करें वो आपके ऊपर है। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से किसी दिन, तो नमस्कार, धन्यवाद।